कर रही है, ये स्टेट मशीनरी को यूज करके कौन सी आइडियोलॉजी प्रमोट कर रही है, गांधी की आइडियोलॉजी या गोडसे की आइडियोलॉजी? हम गांधी के वैल्यूज़ को बचाने के लिए आज सड़कों पर उतर आए हैं। हम इतने मजबूर हो चुके हैं सरकार के हाथों कि अब हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। जामिया के बच्चे निकले थे दिल्ली की सड़कों पर राजघाट तक जाने के लिए गांधी जयंती के उत्सव पर, गांधीयन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए। उसके बाद यहां पर एक रिपोर्टेड फायरिंग इंसिडेंट हुआ जिसमें एक अननोन आदमी ने यहां पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायर किया, जिसमें एक आदमी घायल भी हो चुका है, एक स्टूडेंट जामिया यूनिवर्सिटी का घायल हो चुका है। यहाँ पर अब बैरिकेड लग गए हैं और लोग यहीं पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा पीसफुल मार्च था राजघाट से, जामिया से राजघाट तक। ये CA NRC के खिलाफ था और साथ में गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पे गांधी जी के आदर्शों को, गांधी जी की बातों को, सेकुलरिज्म को और देश में एक आज़ादी की लड़ाई जो कि सेकुलरिज्म को वापस से एस्टेब्लिश करने की लड़ाई है उसको और मजबूत देने के लिए हम लोग यहाँ से निकले थे। हम देख रहे हैं कि एक तरफ द पीपल इन पावर आर गिविंग आर प्रमोटिंग वायलेंस और उसका डायरेक्ट असर आज हमने देख लिया है। एंड आई वॉन्ट टू शो यू अ वीडियो जिसमें साफ साफ इट इज बीइंग शोन कि किस तरह वो आदमी जो है, उस आदमी ने फायर किया। वी शुड नॉट सच को दबाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत साफ है कि फायरिंग हुई है। एंड लुक एट इट, लुक एट दिस फोटो, दिस मैन इज फायरिंग एंड द होल बटालियन ऑफ पुलिस इज स्टैंडिंग बिहाइंड। तो आज हम ये पूछना चाहते हैं क्या हमारी पूरा हक हमारा खत्म हो चुका है? हम डिसेंट नहीं कर सकते, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? अगर हम एक डेमोंस्ट्रेटिव मार्च लेकर जाना चाहते हैं तो वो क्या हम नहीं कर सकते? किसी को गोली लगी है, वो कह रहे हैं कि पता भी नहीं है कि किसी को गोली लगी या नहीं लगी, तो कौन बताएगा? पुलिस के हाथ, पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ था और उसने फायर कर दिया। आप बताइए कौन लेके गया है, आपको नहीं पता? पुलिस यहाँ पर थी और स्पॉट पे की नहीं थी? अभी चोट लगी या नहीं लगी हाई फायर कंफर्म नहीं कर रहे। आप लोग आई विटनेस है ना, आप तो आई विटनेस है ना, आप तो आई विटनेस है ना, आपको नहीं पता कि गोली लगी कि नहीं लगी? किसको पता होगा फिर? क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करें आप लोग हम लोगों को? आज हम सारे देशवासियों के लिए एक बहुत काला दिन मानना चाहिए, इट्स अ वेरी ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम भी मकसद से बैठे हैं, आपने परेशान किया इसलिए बैठे हैं। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो हमें बता दीजिए कि हम कैसे अपना एहतजाज दर्ज करें। आप हमें जिस तरीके से बताएंगे हम वैसे करेंगे। आप हमारी बात तो सुनिए, कम से कम कुछ तो इफेक्ट लीजिए। हम भी इंसान हैं और उसी हमने भी आपको इलेक्ट करने में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। प्राइम मिनिस्टर आप हमारे भी हैं, आपको हमें भी जवाब देनी पड़ेगी। ये तरीका नहीं तो आप बता दीजिए किस तरीके से एहतजाज दर्ज करें। हम ये इस फायरिंग का डायरेक्ट FIR अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा पर होना चाहिए जो ये प्रमोट कर रहे हैं कि गोली मारो सालों को, और उसकी वजह उसका असर हम देख रहे हैं। वी आर इन डायरेक्ट थ्रेट, क्या ये सेडिशियस नहीं है? इज दिस नॉट प्रमोटिंग वायलेंस एंड एनिमिटी? क्या आज हमने ये समझ लिया है कि वी ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स? इज दिस व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से? हमें हम सबको ये सवाल पूछना चाहिए कि आज हम सवाल करें तो हम पर फायरिंग हो रही है, कल आप सवाल करेंगे तो आप पर भी फायरिंग होगी।